बीजेपी ने हरियाणा में बीते 10 साल में खूब भ्रष्टाचार किए, जनता के पैसों की खूब लूट मचाई। इस भ्रष्टाचार के खिलाफ जब जनता विरोध में उतर आई तो पार्टी ने मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया, लेकिन चेहरा बदलने से हरियाणा की तस्वीर बिल्कुल भी नहीं बदली, उल्टा भ्रष्टाचारियों की मौज बढ़ गई। मनोहर लाल खट्टर से लेकर नायब सैनी तक दोनों मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में हरियाणा में घोटालों की फेहरिस्त काफी लंबी है। आज हम आपको हरियाणा में बीजेपी की डबल इंजन सरकार के कुछ बड़े घोटाले बताते हैं। FPO घोटाला, केंद्र सरकार की ओर से किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए 85% तक सब्सिडी दी जाती है। फर्मों ने FPO के नाम पर मंजूरी होने वाली ग्रांट किसानों के खाते में जमा ही नहीं करवाई और फर्जी किसान संगठन बनाकर ग्रांट डकार ली। इसके बाद HSSC क्लर्क भर्ती घोटाला, हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, फिर भी सरकार ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हुए HSSC घोटाला कर दिया। इसमें परीक्षार्थी की जगह किसी और को पेपर देने दिया गया। पेपर देने वाले आरोपी ने 8 से 10 लाख रुपए कैंडिडेट से लिए। परीक्षा देने वालों में सरकारी विभागों में काम कर रहे कर्मचारियों का भी नाम सामने आया था। शराब घोटाला, कोरोना काल में जब देश भर में लॉकडाउन लगा था तब प्रधानमंत्री मोदी ने आपदा में अफसर की सलाह दी थी। प्रधानमंत्री मोदी की सलाह पर चलते हुए बीजेपी और JJP की सरकार ने आपदा में अफसर लाभ उठाते हुए हजारों करोड़ का शराब घोटाला कर दिया। यमुना खनन घोटाला, हरियाणा बीजेपी सरकार में खनन माफियों ने अवैध खनन करके सरकार को करोड़ों का चूना लगा दिया, मगर बीजेपी सरकार ने अवैध खनन करने वालों पर कोई कार्रवाई तक नहीं की। हरियाणा में बीजेपी की सरकार में हुए भ्रष्टाचार की ये तो बस बानगी है। बीते 10 साल में राज्य में करीब 30 से ज्यादा घोटाले सामने आए। साफ है बीजेपी सरकार में जनता से ठगी करके बीजेपी के नेताओं और घोटालेबाजों ने अपने खजाने भर लिए और जनता को कुछ नहीं मिला। इसलिए अब हरियाणा की जनता कांग्रेस को चुनने जा रही है, न्याय को चुनने जा रही है, क्योंकि अब हाथ बदलेगा हालात।